चिकित्सा अधिकारी होश में आओ। प्राइवेट हॉस्पिटलों का संचालन बंद हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। जनपद में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने जनपद में चल रहे अवैध चिकित्सालय, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी को बंद करने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा भ्रष्टाचार का पर्याय कनिष्ठ लिपिक अमित कुमार सिंह को स्थानांतरण के बाद भी CMO मिर्जापुर द्वारा लिए जा रहे कार्य के दृष्टिगत FIR दर्ज कराकर निलंबन की कार्रवाई करने, सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस के बंद करने सहित 11 सूत्री मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण इकाई मिर्जापुर के सैकड़ों कार्यकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट एवं जिला अध्यक्ष मिर्जापुर जयप्रकाश सेठ के नेतृत्व में जिला मुख्यालय एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया गया तथा मांगों के संबंधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी मिर्जापुर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर को सौंपकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। आइए सुनते हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों पर चरमराई व्यवस्था के बारे में सुनील पांडे और उनके समर्थन में आए आमजन का क्या वक्तव्य है। मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण इकाई मिर्जापुर के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सेठ जी के नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर हम लोग ने प्रदर्शन किया और मांगों से संबंधित 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। मिर्जापुर जनपद में जो समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मिर्जापुर जनपद में हजारों प्राइवेट अवैध जो है हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। हम लोग जब शिकायत करते हैं तो फर्जी रिपोर्ट लगाकर धन वसूली का काम अधीक्षक लोग कर रहे हैं। मिर्जापुर में जो है सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है संलिप्त हैं। मिर्जापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और NRHM घोटाले का मास्टरमाइंड अमित कुमार सिंह, जिसका 19 जून को रिटायर जो है यहाँ से स्थानांतरण हो गया था, लेकिन आज भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कृपा से वो जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है, उसको निलंबित करने की मांग को लेकर हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ जो दवा माफिया है सुरेंद्र पांडे, जिसके बदहस्ती पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अमित सिंह चल रहे हैं, हम लोग नहीं चलने देंगे। मिर्जापुर जनपद को लूटने वाले लोगों सुन लो, जब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण का एक भी कार्यकर्ता जो है अपने होश हवास में है, तुमको चैन से हम लोग नहीं रहने देंगे। इसके लिए हम लोग को कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उस संघर्ष को करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम जयप्रकाश सेठ है, जिला अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण मिर्जापुर का। आज जो स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, पीएससी प्रभारी ये करके आ रहे हैं अपने CST और PSC पे न बैठ के क्षेत्रों में जो अवैध हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन हो रहा है उनसे वसूली में मस्त हैं। और इन्हीं सब बातों को लेके, क्योंकि कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकारी डॉक्टर बैठ रहे हैं, किस अधिकार से बैठ रहे हैं, इसकी जांच कराने को लेके, इन सारे मुद्दों को लेके जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कह भी दिया है, इन मुद्दों को लेके आज हम लोगों ने CMO कार्यालय पे, माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्य किया है। अगर हमारे इस सही शिकायतों पे अगर संज्ञान लेके अगर कार्रवाई न की गई तो आगामी एक हफ्ते बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण मिर्जापुर के सभी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन करने को बाध्य होंगे।